नमस्कार भाइयों, ये माल देखो रेडी होके बंदों के पास जा रहा है। लगभग पट्टी से दिया है, वैसे तोल से तो हुआ था, लेकिन ये वैक्सीन हो रहा है। पहले सवेरे डिवॉर्मिंग हो गया, अब वैक्सीन हो रहा है ना। ये वैक्सीन कर रहे हैं, देखो PPR वैक्सीन लग रहा है सारे बच्चों को। ठीक है, ये माल है। पहले डिवॉर्मिंग कर दिया था सवेरे लगभग 3-4 बजे सवेरे के लिए हाईटेक से। ये पूरी बोतल ही अभी है। 40 बच्चों को वैक्सीन किया था, 40-50 इसमें मेल और फीमेल दोनों। ठीक है, क्वालिटी एक नंबर। देखिए सारे बच्चे अच्छे बनने वाले हैं। डिवॉर्मिंग वैक्सीन ये हमारे यहाँ फार्म पे होते हैं। ठीक है भैया, ये वैक्सीन देखो, एक बार बच्चे देखो, एक बार खूबसूरती देखो। मेरा यह माल जाता है पट्टी से, लगभग 8,000 की पट्टी से। एक बार देख लो, हमारा खूबसूरती बनाई है, अच्छी चीज़ बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवॉर्मिंग है, वैक्सीन मेरा है, सारा मेरा है, और बंदे के सामने हो रहा है वैक्सीन डिवॉर्मिंग। ठीक है, ये चीज़ होती है, ये होती है क्लियरिटी भाई फार्म। ऐसा नहीं भाई, एडवांस देके ही माल बनाया है। ठीक है, पहले क्वालिटी बताई थी, ऐसे माल है, इनकी चॉइस के हिसाब से माल निकला है। निकलने के बाद पट्टी हुई है, पहले तोल पे थी भाई, तोल पे भी होता है। ये मेरा माल स्टॉक में, बड़ी फीमेल है, सब प्रेग्नेंट फीमेल है। इसमें बच्चे वाले भी है और लोडेड भी है। देखो लोडेड बकरी अपने आप दिख जाती है, दिखती है लोडेड बकरी अपने आप, दूर से दिख जाती है भाई लोडेड है। ठीक है, ये देखो ये बकरी है और ये माल है अभी अर्जेंट में। देख लीजिए एक बार, माल देख लीजिए एक बार, और वीडियो बनाऊंगा अच्छे से। एक बार माल देख लीजिए, बढ़िया क्वालिटी में। एक एक माल को देखिए, देख ये माल है। ठीक है, बढ़िया क्वालिटी। जो ये माल बन के तैयार जा रहा है, ये लगभग इसमें लगभग 30 पटे हैं और 10 मेल हैं। ठीक है, बॉडी वेट ही समझो 20 से 30 किलो के बीच में है। ठीक है, लेकिन क्वालिटी सारा स्पॉटेड कलर में है और बढ़िया शाइनिंग वाले बच्चे हैं। अब मैंने बोला इसमें वैक्सीन भी हुआ है, डीवॉर्मिंग और वैक्सीन मेरे फार्म पे होता है। ऑर्डर देने का मतलब ही वही ये होता है, अगर बंदा एडवांस डाल रहा है तो पूरा कम्प्लीटली माल देना होता है। ठीक है, वैक्सीन करके देना होता है, डीवॉर्मिंग करना होता है, इतना फर्क तो बनता भाई जब भी कोई ऑर्डर देता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि माल लिया और बेच के दिया, उसमें बंदे अगले को नुकसान होता है। ठीक है, ये दिखनी चाहिए। अगर माल लेते हो तो भैया अच्छे से डाइट के बारे में, प्लान के बारे में भी पूछा करो बंदे से जिससे माल लेते हो। ठीक है, अगर आप नहीं पूछते, बहुत सारे को मैंने भी माल दिया है, तो वो क्या करता है कि खिलाने में थोड़ी डाइट को कंजूसी कर लेते हैं। माल जब माल फार्मिंग में लेते हैं ना, तो वो फार्मिंग में पैसे तो बहुत लगा देते हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों रुपये लगा देते हैं, लेकिन जब बकरी की बात रहती है तो बकरियों में कंजूसी करते हैं, भाई रेट डाउन कहाँ है, रेट डाउन कहाँ है। ठीक है, ये चीज़ देखते हैं, फिर इनको चारे की अच्छे से पता नहीं होता। डाइट भी अच्छी रखते हैं, ठीक है, वो तो खिलाने की सब चीज़ें एकदम मस्त रखते हैं, लेकिन डाइट प्लान जो है ना उनका, वो नहीं बैठता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर आप डाइट प्लान अच्छा से रखोगे, बकरी सिरोही बकरी अगर अजमेर की है, इसको अच्छे से डाइट प्लान पर रखोगे तो भैया इसमें कभी भी बकरी फार्म में लॉस नहीं होता, आपको प्रॉफिट ही होता है। लेकिन ये नहीं, ये ना होना चाहिए कि भाई बकरी को जो चारा 10 रुपये का खाने की है, उसे 1 रुपये के खिलाने की सोचते हो, ये चीज़ मत करो। बकरी को अच्छी से डाइट दो, 100% बकरी आपको प्रॉफिट ही देगी। बकरी फार्म में कोई लॉस नहीं है भैया, अगर आप अच्छे से पालते हो। सबसे बड़ी बात गलती करते हो छोटे बच्चे लेके। ठीक है, सबसे बड़ी गलती, बच्चे लेने हैं तो 20-25 केजी से लो। अब ज़्यादा दूरी है, उसी हिसाब से माल उठा हुआ है। देखो नुकसान आपको होता है तो आप थोड़े बहुत पैसों के कारण। देखो आप ऐसे भी बकरे माल 1-2 या 3 लाख का लेते हो, तो 1-2 लाख के चक्कर में, 1-1.5 लाख के चक्कर में आप छोटे माल उठाए, ये देखते हो कि भाई 3 लाख का पड़ रहा, नहीं मैं तो 1-1.5 लाख का लूँगा, तो वो छोटे बच्चे उठा लेते हैं। लेकिन वो नहीं पता कि भाई आप फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले ही आप लॉस कहाँ पे उठोगे। छोटे बच्चे इतने भी मत लो जो आपसे केयर ना हो पाए। ठीक है, जितना केयर करते हो ना उतने बड़े बच्चे लो भाई। भाई सिरोही नस्ल है, ये बड़ी नस्ल है, बरबरी साहिब की नहीं है कि भाई 1 साल के अंदर 30 किलो ही बैठेगी या 20 किलो बैठेगी, बरबरी ऐसी होती। ये सिरोही है भैया, बड़ी नस्ल है, ये 1 साल के अंदर 60-70-80-90 ऐसे बॉडी वेट डाइट के हिसाब से पकड़ लेती। तो आप समझो 20 किलो का बच्चा 4 महीने का होता है, कभी 3-4 महीने का होता है। ठीक है, तो वो इसी हिसाब से माल उठाओ भाई।
अगर आप छोटा माल उठाओगे तो नुस्खा पाओगे, इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में ये बोलता हूँ, जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ ना, ये माल परफेक्टली एकदम फीड पे तैयार कर सकते हो इस बच्चे को। कभी भी माल लो भैया, डाइट प्लान के हिसाब से ही माल पालाई करो, उसका अच्छे से डीवर्मिंग होना चाहिए। कभी भी कुछ भी चीज़ आप तैयार करते हो, अगर बच्चा कम खा रहा है, अगर आपको लिवर टॉनिक देना है, अगर कम बच्चा खा रहा है तो उसको लिवर टॉनिक देना है, तो पहले उससे पहले डीवर्मिंग कर दो। पेट की सफाई होने के बाद ही आप कुछ चीज़ दो तो बच्चे को अच्छे से लगेगी, ठीक है। बहुत सारे बंदे मेरे से माल लेने के बाद वो बोलते हैं कि ये बकरी कम खा रही है, कम खा रही है। भाई कम नहीं खा रही है, आप डाइट प्लान अच्छा नहीं रख रहे हो बकरी का, ठीक है, और डाइट अच्छी नहीं दे रहे हो। बकरी को कचरा खिला के थोड़ी पाला जाता है मेरे भाई। बकरी आपको साल में कमाई दे रही तो उसे थोड़ा अच्छा तो डाइट रखो, अच्छी डाइट रखोगे तभी तो वो कमा के देगी। अगर आप फ्री का वो सुनो देखते हो तो वो नहीं होता है। डाइट अच्छी प्लान रखो। अगर बकरी कोई कम खा रही है तो उसे लिवर टॉनिक दो भाई। अगर आपके पास लिवर टॉनिक है तो प्याज लहसुन अदरक इस ये भी खिलाओगे ना नॉर्मली, तो बकरी की भूख वैसे ही बढ़ जाएगी भाई, ठीक है। लिवर टॉनिक देना ही चाहिए जानवर को, लिवर टॉनिक से क्या भूख बढ़ती है जानवरों की, ठीक है। डीवॉर्मिंग के बाद लिवर टॉनिक दो जो बच्चा नहीं खा रहा है। देखो डीवॉर्मिंग टाइम से टाइम होना चाहिए भैया, ठीक है। डीवॉर्मिंग सबसे बेस्ट होता है बकरों के लिए। बहुत सारे बंदे कह रहे हैं मैं बहुत खिलाता हूँ बकरा बढ़ नहीं पा रहा, वेट ही नहीं ले पा रहा, तो उसके लिए आपको भैया डाइट प्लान डीवॉर्मिंग करके लिवर टॉनिक दो। कैसे नहीं बढ़ेगी, कैसे नहीं होगी, अच्छी सी डाइट दो, मतलब थोड़ी ताकत बढ़ाने के लिए। कोई भी अभी सर्दी आ रही तो आपको मालूम है बाजरा बॉयल करके उसमें गुड़ या हल्का सा तेल डाल के खिलाओगे ना तो वैसे भी अच्छा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ खिलाओगे गर्मी के टाइम में, बाजरा चलता है सर्दी के टाइम में, सॉरी बाजरा चलता है गर्मी में, जो चलाते हो जो दाने हो मक्का हो जो भी हो, ठीक है। तो प्लान अच्छा रखोगे बकरी फार्म में कभी नुकसान नहीं होगा भैया, और वैक्सीन टाइम से टाइम होगा। देखो फार्मिंग अगर मेरे संभाल ले तो मैं डीवॉर्मिंग और वैक्सीन करके इसका वीडियो मैंने पहले लगाया कि भाई डीवॉर्मिंग और वैक्सीन हो रहा है, माल होता हुआ इसके बाद ही गाड़ी लोड कराता हूँ, ये मेरा ऑर्डर भी था भाई। बंदा पहले एडवांस देता तब इसी से जैसी क्वालिटी बताते हैं ना, मैंने ये पट्टी से दिया है माल, ठीक है, तोल का नहीं है, पहले मेरे तोल पर ही था ये माल, ठीक है, तोल पे किया हुआ था 320 रुपये केजी से, ठीक है। लेकिन बंदे ने कहा मैं तोल से नहीं दूंगा, मैं पट्टी से ले लूँगा, तो मेरी पट्टी से हो गया। मतलब पट्टी का मतलब ये होता है कि भाई ये टोटल जिसमें 20 25 30 किलो के बॉडी वेट के बच्चे, मैंने 8,000 की पट्टी से दे दिए, ठीक है, ये दे दिए पट्टी, मतलब सारा 8,000 की, बड़ा छोटा सब आता है इसमें, ठीक है। इसमें मेल भी है फीमेल भी है, ठीक है, और चला सारा स्पॉटेड कलर में अच्छा बनने वाले बच्चे हैं, ठीक है। इसमें फीमेल है 30 फीमेल और 10 मेल, ऐसे ऑर्डर पे तैयार किया जाता है भैया, एक विश्वास की बात होती है। और मेरा विश्वास ये भी है कि मैं डीवॉर्मिंग और वैक्सीन करके ही देता हूँ। मेरे को इसमें एक डीवॉर्मिंग के लिए जो लिक्विड आता है वो 600 रुपये का आता है, और जो वैक्सीन आता है वो लगभग 150 रुपये का आता है। तो इसमें 600-800 रुपये में मेरा कुछ नहीं जाता जो वैक्सीन नहीं करूँ। वो ज़रूरी है कि अगले जाके बंदे को कोई दिक्कत ना हो, और सारा डिटेल से बताता हूँ भाई आपको उतरने तक क्या देना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे कॉन्टेक्ट, जैसे मेरे से कोई भी माल लेता है ना, मैं ये बोलता हूँ अगर मैं कॉल अटेंड नहीं करता ना भाई तो मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल अटेंड तो हो नहीं पाता, कोई ये नहीं कि भाई मैं हमेशा कॉल पर बैठा रहूँ या फ़ोन पर बैठा रहूँ, कोई फार्म पर पार्टी आती है उससे बात भी करना पड़ता था, उस टाइम कॉल नहीं उठाता, मेरी भी कोई दिनचर्या होती है थोड़ी, तो इसी हिसाब से मैं कभी फ़ोन नहीं अटेंड पर करता हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सअप करके छोड़ दीजिए, मैं तुरंत आप पर रिप्लाई दे दूँगा, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूँगा भाई, ठीक है। तो ये पट्टे ये बढ़िया क्वालिटी मैंने आज गाड़ी लोड की है, ठीक है। ऐसे मेरा जैसे ऑर्डर आता है ऐसे मेरे स्टॉक भी रहता है, जो स्टॉक का वीडियो मैं लगा भी रख रहा हूँ। मेरे स्टॉक मिनिमम 50 बकरा बकरियों का स्टॉक हमेशा रहता है, उसके अलावा ऑर्डर पर ही काम चलता है, ठीक है भैया। तो आप वो वीडियो पूरा देखिए मेरा जो मैं स्टॉक में रखता हूँ। कर भाइयों ये मेरा अभी स्टॉक का माल है, इसमें सारी लोडेड बकरियाँ हैं, प्रेग्नेंट है, खाली नहीं है, जिसके वजह साथ जो खाली है उसके दो बच्चे हैं, ठीक है। लोडेड बकरी है ये गुजरी में, देखिए कितनी अच्छी बकरी है, गुजरी में लोडेड है, 3.5 महीने की लोडेड है गुजरी में, देखिए क्वालिटी देख लीजिए एक बार, ये गुजरी में बढ़िया एकदम लोडेड बकरी। क्या है कि भाई थनों में दूध नहीं रहता है, अपना दिखता है, ये दो बच्चे साथ में इसके, अब ये फर्स्ट टाइम बच्चा दिए, देखो ये बकरी, इस बकरी ने एक बार बच्चा फर्स्ट टाइम में बच्चा दिया है, और इसने ये बच्चा दिया, देखिए देखिए खूबसूरत बच्चा है, ये फर्स्ट टाइम बच्चा दिया, देख लीजिए बकरी, देखो और दूध में अच्छी है फर्स्ट टाइम में बकरी, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम का बच्चा है इसका, और पहली बार बच्चा दिया, देखिए दिख रहा है,
ये फर्स्ट टाइम है, अभी दिया ही है, जस्ट कुछ टाइम हुआ है, कुछ आधा घंटा हुआ है अभी दिया है। ठीक है, बकरी का दूध भी अच्छा है, लगभग मान के चलो तीन पाई एक लीटर के अंदर ही अंदर मिल जाएगा इसका फर्स्ट टाइम में दूध। अब ये सेकंड टाइम वापस होगी तब तक अच्छा और दूध बढ़ जाएगा इसका। देखो भाई, बहुत सारे कहते हैं बकरी खाती नहीं है, भाई इतना डाइट प्लान बकरी का रहता है तो मेरे फार्म पे कैसे रहती है बकरियाँ। देखो अभी ये लोडेड है गुजरी में, ये फर्स्ट टाइम बच्चा देगी। ठीक है, ये फिर पट्टी समझो लोडेड है, इसने पे एक बच्चा दिया है। ठीक है, और इस वाइट वाली के दो बच्चे हैं, वो बाहर खड़े हैं, वो दो बच्चे इस बकरी के हैं, इस बकरी का तो दो बच्चे हैं ही आपने बता दिया। और ये बिट्टल का जोड़ा है मेरे पास, ठीक है देख ली बिट्टल का जोड़ा है। और ये सब लोडेड बकरियाँ हैं, ये भी लोडेड है, खाली कोई भी बकरी नहीं है इसमें अभी प्रजेंट में, एक भी बकरी नहीं है, सारी लोडेड है। ठीक है, ये देख लीजिए बकरियाँ अभी प्रजेंट में ही है, ये भी लोडेड है। ठीक है, ये देख लीजिए ये स्टॉक बकरियों का है भाई, और ये स्टॉक बकरियों का है जिसमें 15-20 बकरियाँ हैं ये, और ये माल और है, बकरे हैं फीमेल, और बाहर वो जो माल है वो मेरा ऑर्डर का है। ठीक है, जिसका वीडियो भी बनाए, ये माल मेरा ऑर्डर का है, ठीक है, हाँ लोड होगा ये माल, और स्टॉक में अलग है बच्चे हैं।